ओके, माय नेम इज किशन कुमार और आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट हेल्प। तो अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, रेड आइकन को दबाकर और प्लस बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जैसे कि मैंने नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो अब तक वीडियो तुरंत पहुंचे। और वीडियो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें और बताएं, उन्हें जानकारी दें कि जो SGSBM कॉलेज जो मेडिकल यूनिवर्सिटी कानपुर में स्थित है उसकी इंफॉर्मेशन वीडियो में आपको लेके आया हूँ, जो कि मेरे फ्रेंड्स के बोल रहे थे बहुत कि प्लीज़ इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो, क्या इसकी प्रोसेस है, एडमिशन कब होते हैं। तो इसकी ऑल प्रोसेस इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर पूछें कि कोई दिक्कत आ रही हो, अगर कोई और भी समस्या हो तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट ज़रूर करें। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर जिस डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, तो प्लीज़ मिस कॉल करें। तो आज का हमारा वीडियो है तो GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, एंट्रेंस एग्ज़ाम और डिप्लोमा कोर्सेज जो कि अनेक डिग्री कोर्सेज करवाती है ये यूनिवर्सिटी। पॉपुलेशन यूनिवर्सिटी द बेस्ट यूनिवर्सिटी, मतलब यूपी की यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो कि आपको बहुत कम अर्न में जो मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे बिलोंग करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम इसके कब होते हैं, कब क्या क्या कोर्सेस हैं, सब कुछ आज इसके क्लियर करवा देते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम आपको बताएंगे कि जो गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है तो इसमें क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर उपलब्ध हैं कुछ MD और डिप्लोमा और MS, DM और MBBS और MCH, जो कि ये ब्राउजर बाय डिग्री, ये डिप्लोमा है, ये भी डिप्लोमा है, ये भी डिप्लोमा है, ये MBBS BS, ये बैचलर डिग्री है। तो MBBS, इसमें MBBS के लिए नीट क्वालिफाई एग्ज़ाम करना पड़ेगा। अगर आपको जैसे नीट में इंट्रेंसिव अगर नीट का एग्ज़ाम अभी देने वाले हो या फिर दे चुके हो या कई अब एक दो बार देने वाले, तो अभी तो 25 जुलाई को एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। तो इसकी वीडियो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज को हम सिर्फ बता दें आपको डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में, जब MBBS के बाद में इसका एडमिशन होगा इस वेबसाइट पर, इसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम यही करवाएगी जो आपको यूनिवर्सिटी मैंने दिया। तो यह यूनिवर्सिटी GSBM यूनिवर्सिटी ये एग्ज़ाम करवाती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो हम आपको आज बता देते हैं क्या क्या होते हैं इसमें, क्या क्या डिप्लोमा कोर्सेज करवाती है और फीस के बारे में और कट ऑफ क्या क्या जाती है, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या कोर्स होना चाहिए आपके पास। तो फर्स्ट की तरफ चलते हैं। ये होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी क्या होता है आप लोगों को सबको पता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी जो कि 2 साल 3 महीने का कोर्स होता है, फुल टाइम कोर्स होता है, और ये 2 साल का कोर्स है। इसमें दे रहा है टोटल 60 सीटें हैं। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो खुद की इस वेबसाइट करवाती है, उसमें डी फार्मा के लिए बहुत अवेलेबल है। और नेक्स्ट चलते हैं डिप्लोमा दूसरे कोर्स में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ केयर, जो कि चाइल्ड, ये भी 2 साल का डिप्लोमा है जिसमें टोटल 62,000 फीस है। और इसमें टोटल पता है कितनी फ़ीस है, इसमें टोटल 12,000 फ़ीस थी डिप्लोमा इन फार्मेसी में। बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत कम फीस है और इसमें से, और टोटल इसमें आपको हम सीट भी बता दें कितनी है, जो पोस्ट ग्रेजुएट इसमें टोटल 7 सीटें हैं, ये भी इसमें बहुत कम सीटें हैं। और चलते हैं नेक्स्ट, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑस्टियोरिस्ट एंड जेनियोलॉजी, तो टोटल 2 साल का कोर्स है और ये है 62,000 का, ये इसमें टोटल लगती है फीस आपको फर्स्ट ईयर की 62,000 रुपये। टोटल 7 सीटें हैं, जो कि इसमें आप बिल्कुल ही फॉर्म अगर आप इसमें इच्छुक हैं, करना चाहते हैं कोई भी डिप्लोमा, अगर उस डिप्लोमा के बारे में जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, तो उस डिप्लोमा के बारे में आपको क्लियर मैं आपको प्रूफ के साथ बिल्कुल बता दूँगा। तो इसमें डिप्लोमा है ऑर्थोपेडिक्स है, जो कि 2 साल का है, 62,000 फीस है, 3 सीटें हैं इसमें डिप्लोमा है, इसमें 62,000 फीस है, इसमें भी 2 सीटें हैं। इसमें सिर्फ 2 या 3 सीट से ज़्यादा कोई नहीं है। और आपको ले चलते हैं और वीडियो की तरफ। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है ट्यूबरकुलोसिस एंड चेस्ट डिसीज़ ऑफ ऑटोरिनोलेरिंजियोलॉजी, अभी पोस्ट ग्रेजुएट 62,000 फीस है, इसमें कुल 2 ही सीटें होंगी और इससे ज़्यादा। इसमें एक मुझे खासियत लगी इस यूनिवर्सिटी में,
कि ये यूनिवर्सिटी जो बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम भी करवाती है, जो बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम भी करवाती है, तो इसमें टोटल इंग्लिश का पेपर आता है क्योंकि अगली साल, तो इसकी फ़ीस होती है करीब 2,000 रुपये ओबीसी और जनरल की। क्योंकि मैंने अगली बार इस वेबसाइट पर सर्च किया था, अगली बार मैंने एग्ज़ाम दिया था तो इसका नहीं मैंने डाला था फॉर्म, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने वेबसाइट पर चेक किया था और जानकारी ली थी, मेरे दोस्त ने बताया था कि इस प्रकार की भी एक यूनिवर्सिटी है जो कि GSBM मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कानपुर में यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ इसमें क्वेश्चन माइनस मार्किंग होती है। तो इसमें टोटल जनरल और OBC के लिए 2,000 फीस होती है और SC ST के लिए भी 2,000 होती है, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये PCB और PCM जो डिप्लोमा इन फार्मेसी और जो BSc नर्सिंग है, ये दोनों कर सकते हैं। तो आप अगर जैसे आप मैथ से हो, PCBM से हो, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर PCM से हो तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। तो ये सिर्फ 3 साल का कोर्स है, 3 साल और 6 महीना, टोटल ये 4 साल का कोर्स है। ये बैचलर होता है जिसमें फुल चांस होते हैं कि जॉब लगने के। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। जब और इसकी ऑनलाइन डेट हम आपको बता दें कि कब तक आ जाएगी, तो नीट के करीब जिसकी आएगी, करीब आपको बता दें इसकी आएगी 7 अगस्त, जुलाई अगस्त, 7 अगस्त या फिर 9 अगस्त को इसकी ऑनलाइन स्टार्ट होगी। और इसकी बहुत जल्दी फर्स्ट काउंसलिंग में ही सीट अवेलेबल हो जाती, क्योंकि इसकी बहुत कम सीट होती है। टोटल 40 सीटें हैं जो BSc नर्सिंग में, 40 या 60 हैं, कुछ अंदाज़ा मुझे ठीक से नहीं है पता। तो इसकी कुल 60 सीटें हैं। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन ये है कि इसमें बच्चे फॉर्म बहुत अप्लाई करते हैं, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत सावधानी से देना गाइस। तो मैं आपको और नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूँगा, और आप कमेंट करके पूछते रहना कि सर ये कॉलेज के बारे में जानकारी दो। आपको जिस भी कॉलेज के बारे में, यूपी के ऑल गवर्नमेंट कॉलेज, एंट्रेंस एग्ज़ाम, सब कुछ की जानकारी मैं आपको बेहतर से बेहतर दूंगा, और कब इसके ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे सारी कुछ जानकारी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो, और लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें कोई भी डाउट क्लियर करने के लिए। और हमारी नेक्स्ट वीडियो, जैसे आप किताब में कोई भी बुक्स आप चूज नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी बुक से क्या पढ़ें, क्या पेपर में आता है, तो आप सब कुछ मेरी चैनल पर जाएं तो आप लाइव देख सकते हैं हमारी सारी वीडियो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग हमारी वीडियो देखने, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।